देख रहे हैं हिसाब खेल का, मैं हूँ लक्ष्मी। रणजी ट्रॉफी को विदर्भ ने कंटिन्यूसली दूसरी बार जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में सौराष्ट्र को 78 रन से हराया। रणजी ट्रॉफी सीजन 2018-19 में विदर्भ टीम के कप्तान फैज फजल लगातार अपनी कप्तानी में टीम को दो बार खिताब जिताने वाले 11वें कप्तान बन गए हैं। महाराष्ट्र के प्रोफेसर डीबी देवधर ये कारनामा करने वाले पहले कप्तान थे। उन्होंने 1940 और 1941 में महाराष्ट्र की कप्तानी करते हुए दो रणजी खिताब जीते थे। हालांकि मुंबई के कप्तान बापू नदकर्णी ने अपनी टीम को लगातार तीन बार 1964, 1965 और 1966 में रणजी खिताब जिताया था। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, जिसमें सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन अभी भी बाकी है कि फोर्थ नंबर में कौन सा प्लेयर खेलेगा। दूसरी तरफ क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने ये सोचा है कि विराट फोर्थ नंबर में खेलेंगे। कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में इस साल होने वाले क्रिकेट विश्व कप के दौरान कप्तान विराट कोहली को चौथे नंबर पर उतारने की सोच रहे हैं। शास्त्री को इस बात का डर है कि इंग्लैंड में गेंदबाजों वाली तेज पिचों पर कहीं कोहली को मैच के शुरुआती ओवरों में ना खो दें, जिसके चलते टीम मुश्किलों में पड़ सकती है। शास्त्री का ये भी मानना है कि कोहली का नंबर 3 अभी तय है, लेकिन पिच के अनुसार हम विश्व कप में उनको नंबर 4 पर भी भेज सकते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के फर्स्ट मैच में बड़ी आसानी से हार गई। ऐसे में जब हमने फैंस से बात की तो उन्होंने इस हार के पीछे ये रीजंस बताए। आई थिंक मेरे हिसाब से धोनी को फर्स्ट राउंड पे आना चाहिए था, तो हो सकता है कि इंडिया जीत जाते। हाँ, हार तो बड़ी है, पर कोई नहीं, टारगेट ऐसा अचीव करना था कि वो बहुत टफ था, इजी था नहीं, पर हाँ कोई पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी जो कि बन नहीं पाई। और फर्स्ट डाउन विजय शंकर का थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि पहला ही मैच में आपको इतना बड़ा टारगेट अचीव करना, यू आर प्लेइंग ब्लव देयर, राइट। तो उससे बेटर कि कोई पहला डाउन कोई एक्सपीरियंस आता। और हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप नहीं होने की वजह से हमने अचीव नहीं किया जो कि ज़रूरी था। देखिए, जो मैंने मैच देखा तो मतलब कुछ डिसीजन थे जो थोड़े से अजीब लगे, जैसे विजय शंकर ऊपर आया ऑर्डर में, और कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे जैसे वन डाउन जो सेकंड डाउन जो आते हैं नॉर्मली उनको नहीं भेजा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये डिसीजन वैसे था अच्छा बिकॉज रन रेट बहुत ज़्यादा थी, तो अगर आप एक पिंच हिटर को ऊपर भेजते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रेशर हट जाता है, तो वो एक आइडिया बहुत अच्छा था, बट कभी कभी क्या होता है आइडिया वर्क नहीं करता। विराट कोहली का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जब भी वो टीम में होते हैं ना, मतलब अपनी बैटिंग तो हो प्लस उनकी एक कैप्टनसी, प्लस सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट मानता हूँ उनकी लीडरशिप स्किल्स है, जो एग्रेशन वो दिखाते हैं पूरे मैच के दौरान, और खासतौर के टीम के जब भी उनका कोई भी मैच होता है तो उनका सबसे ज़्यादा अग्रेसिव और सबसे ज़्यादा इनटू आपको विराट कोहली दिखते हैं। एक्चुअली एक वजह तो ये भी हो सकती है कि हमने ODI सारे मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड से, पर लेकिन T20 में शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस था शायद थोड़ा सा, ये हो सकता है। और दूसरी बात, विराट कोहली नहीं थे तो भाई बैट्स हमारे पास जो मेन कैप्टन है वो नहीं थे, उनके साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट हमें धोनी से बहुत उम्मीदें थी, हमें रोहित शर्मा से बहुत उम्मीदें थी, शिखर धवन से जो स्टार्टिंग में नहीं खेल पा रहे थे अच्छे से, बट बीच में एक मैच था बहुत अच्छा खेले थे उसमें, तब से उम्मीदें थी कि शायद वो आज भी खेलेंगे, उनके वो अच्छे से नहीं खेल पाए तो इसलिए वो भी। टीम इंडिया के जंबो यानी फॉर्मर क्रिकेटर अनिल कुंबले ने आज के दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग के सभी 10 विकेट लेकर क्रिकेट वर्ल्ड में इतिहास रच दिया था, जिसके बाद सभी क्रिकेट फैंस उनके बॉलिंग के दीवाने हो गए। 1999 को राजधानी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट अनिल कुंबले ने लिए थे। कुंबले ने पाकिस्तान की दूसरी पारी को अपनी फिरकी से 207 रनों पर ऑल आउट कर दिया था और टीम इंडिया को 212 रन से जीत मिली थी। कुंबले टेस्ट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे। इनसे पहले साल 1956 में इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया था।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेल कोई भी हो, ऑडियंस हमेशा एक्साइटेड रहती है। पिछले कुछ सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं हो रही है, मगर अब टेनिस वर्ल्ड के डेविस कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच देखने को मिलेगा। भारतीय डेविस कप टीम का मुकाबला ड्रॉ के अनुसार पाकिस्तान से उसकी सरजमी पर होगा, लेकिन किसी भी खेल की टीम को पड़ोसी देश जाने की अनुमति केंद्र सरकार नहीं देती है, जिसके चलते इनके बीच मुकाबला किसी अन्य देश में खेला जा सकता है। मार्च 1964 के बाद से किसी भी भारतीय डेविस कप टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है और लाहौर में हुए उस मुकाबले में भारत 4-0 से जीत गया। अखिल भारतीय टेनिस संघ के पास विकल्प नहीं है, हमें सरकार की नीति का पालन करना होगा, सरकार से बात करेंगे। हालांकि सरकार ने किसी भी खेल की टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे एक क्वेश्चन का आंसर कि क्या इंडियन डेविस कप टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं। दीजिए अपने जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में और रखिए अपनी राय, जिनको हम अपने शो में शामिल भी करेंगे। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें जिनको हम हर रोज आप तक लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। इसे दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।